बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आयशा नवाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था, जो ऑस्मोसिस जब हमने पढ़ा तो उसमें तीन कंडीशंस हमने पढ़ी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, जबकि सॉल्वेंट मतलब कि वाटर कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इस पर इतना ज़्यादा वर्क क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो भी बेसिकली तीन तरह के हैं। जस्ट लाइक हम बात करते हैं, हमारे पास ओशियनिक इन्वायरमेंट है, रिवर इन्वायरमेंट है, और हम बात करते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इस कंडीशन को, मतलब कि हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक कंडीशन को किस तरह से फेस करते हैं, उसके लिए एक साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। तीन डिफरेंट सेटअप लगाए गए, ठीक है। इन सेटअप में तीनों कंडीशंस को रखा गया। एक में जो थी वो सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो इस कंडीशन को कहा गया हाइपरटोनिक। दिस वन इज आइसोटोनिक एंड अदर वन इज हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक कंडीशन। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में रेड ब्लड सेल लिया गया। जब रेड ब्लड सेल लेके उसको इस कंडीशन में रखा गया तो ये हमारे पास क्या थी? हाइपरटोनिक कंडीशन, मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो सल्यूट यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? साल्ट्स को, और जो सॉल्वेंट है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाटर एक्कर है, क्योंकि ये ओशियनिक कंडीशन की बात की जा रही है, वाटर एक्कर है सॉल्वेंट के तौर पे, और जो सल्यूट है वो हमारे पास कौन सा है? साल्ट्स, ठीक है, डिफरेंट साल्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो इस कंडीशन में जब रखा गया तो हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट था उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि साल्ट्स ज़्यादा थे। जब साल्ट्स ज़्यादा थे तो वो बॉडी के अंदर क्या किए गए? सेल की बॉडी के अंदर परसिस्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जितना वाटर था उसको सेल से बाहर फेंक दिया और खुद जाके अंदर चले गए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो हम लोग यही फेनोमेना पढ़े हैं ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास जब टर्म आती है, कंडीशन आती है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से, मतलब सल्यूट ज़्यादा था कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन मतलब सेल में चला गया जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम थी। इसने क्या किया, जब सेल साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब अंदर गए तो सेल क्या हो गया? श्रिंक कर गया। सेल श्रिंक कर गया तो इससे भी एनिमल की डेथ हो सकती है। अगली बात हम करते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। एनिमल को कोई भी किसी किस्म का खतरा नहीं। जो हमारे पास सेल यहाँ पे रखा गया है, जो ब्लड सेल है वो क्या करेगा? इजीली सर्वाइव करेगा। 50% वाटर है, 50% साल्ट है, आयंस की कंसंट्रेशन अंदर भाई जो है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है। अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में जो हमारे पास सल्यूट है वो क्या है? लेस क्वांटिटी में है, लेस कंसंट्रेशन में है, जबकि हम वाटर की बात करते हैं या सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? मोर क्वांटिटी में है। तो हमारे पास, हमने यही कहा कि हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से वाटर मालिक्यूल क्या करेंगे? सेल के अंदर जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा वाटर मालिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे तो सेल किस फॉर्म में आ जाएगा? एक टारगेट फॉर्म में, और इतना टारगेट फॉर्म में होगा कि सेल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। जब सेल ब्रश कर जाएगा तो फिर भी एनिमल की क्या होगी? डेथ कॉज होगी। तो ये था हमारे पास एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में अगर सेल क्या हो जाता है? सेल में हाइपर, जो हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो वो क्या कहलाएगी? टारगेट, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बल्कि हो जाता है। टारगेट कंडीशन इसीलिए आ जाती है क्योंकि पानी जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा चला जाता है। तो प्लांट किस फॉर्म में आ जाएगा? टारगेट कंडीशन में, टर्गर प्रेशर एग्जिट होगा। अगर आइसोटोनिक की बात है तो जो होगा पानी
अंदर भी आ रहा है पानी की कंसंट्रेशन भी और साल्ट की कंसंट्रेशन भी, तो सेल किस फॉर्म में आ जाएगा? फ्लैसिड फॉर्म में, मतलब कि पिचका हुआ सा सेल हो जाएगा, 50-50% जो है कंसंट्रेशन रहेगी। अगर बात करते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन की, तो हाइपरटोनिक कंडीशन में ये सेल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, मतलब कि प्लाज्मा हमने वर्ड पढ़ा था ना फ्लूइड, और लाइसिस ब्रेकडाउन, तो जितनी भी वो प्लाज्मोलाइसिस जितना भी फ्लूइड होगा वो सारा का सारा सेल से बाहर हो चला जाएगा, सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा, और इस टर्म को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। ये था हमारे पास ऑस्मोसिस, इससे नेक्स्ट और वाटर बैलेंसिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो गॉड सेल्स हैं और स्टोमेटा हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस वर्सेस गॉड सेल्स। ऑस्मोसिस और गॉड सेल्स का क्या रोल होता है? अगर हम बात करते हैं एक प्लांट की या लीफ की, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, ये इसकी फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एपिडर्मिस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये पोर्स वाटर की एक्सचेंज करते हैं, वाटर का एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द इनर साइड ऑफ द सेल, या फिर इनर साइड से आउटसाइड ऑफ द सेल प्लांट का जो है वाटर एक्सचेंज करवाते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इन्हीं के थ्रू होता है। इसके पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा, जिन इन पोर्स को हमने किसका नाम दिया? स्टोमेटा का। ये जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हमने किसका नाम दे दिया? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के साथ जो एपिडर्मिस के ऊपर पोर्स हैं स्टोमेटल के साथ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड का मतलब हो गया ना ये हिफाजती सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए परफॉर्म करते हैं। मतलब कि किस टाइम पे गार्ड सेल ने स्टोमेटा को ओपन करना है और किस टाइम पे इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। एट द टाइम ऑफ डे, डे टाइम में क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये गार्ड सेल ग्लूकोज जब बनाएंगे तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? स्टोमेटा में ज़्यादा हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास? हाइपरटोनिक कंडीशन में होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? हमारे पास सोल्यूट की। ग्लूकोज सोल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? सोल्यूट की। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी? हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक, लेस कंसंट्रेशन हमारे पास होगी वाटर की। जब ये हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये हमारे पास स्टोमेटा थे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर क्या करेगा? अदर साइड से, अदर सेल से एंटर होगा फ्रॉम द डर्मिस ऑफ द लीव, एपिडर्मिस ऑफ द लीव। जब ये इस फॉर्म में जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? टारगेट कंडीशन में आ जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? टारगेट कंडीशन में आ जाएगा। ये जब ये टारगेट कंडीशन में आएगा तो क्या होगा? दरमियान में एक पोर क्रिएट हो जाएगा, बॉविड शेप में अपने आप को अरेंज कर लेगा, क्योंकि टारगेट है और बॉविड कंडीशन में अपने आप को अरेंज करेगा, और दरमियान में क्या हो जाएगा? इसके एक पोर क्रिएट हो जाएगा। अगर इसके अल्टरनेट बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ नाइट, तो क्या होगा? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्टॉप हो जाएगी। ग्लूकोज जो है वो गार्ड सेल्स जो है वो ग्लूकोज नहीं बना रहे। जब वो ग्लूकोज नहीं बनाएंगे तो हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं या स्टोमेटा हैं वो रिजिड फॉर्म में नहीं आएंगे, टारगेट फॉर्म में नहीं हो जाएंगे, बल्कि किस फॉर्म में आ जाएंगे? फ्लैसिड फॉर्म में। अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देंगे, फ्लैसिड फॉर्म में आएंगे, और इस टाइम इस जो है कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन। तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती है? लेस हो जाती है। ऑल्टरनेट एक दूसरे के काम करते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं ताकि जितना भी ग्लूकोज है वो अंदर आ जाए, और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेकिंग करते हैं ग्लूकोज की। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस हमारे पास इसकी क्या है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या होती हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि क्या करती हैं? कुछ चीज़ों को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने की परमिशन देती हैं, जबकि नॉन सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको अंदर आने की परमिशन, सेल के अंदर आने की परमिशन नहीं देती हैं।
इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब अगर हम देखते हैं, अगर हम आर्टिफिशियली देखें, आर्टिफिशियली हम लोग जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको किसके लिए यूज़ करवा सकते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस की सेपरेशन के लिए, क्योंकि हमने लिखा कि ये सेपरेटिंग सेपरेशन करती हैं सब्सटेंसेस की, सेमी परमिएबल इनकी वर्किंग यही है ना कि ये सेपरेशन करती हैं सब्सटेंसेस की, तो आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, इनसे सेपरेशन करवा सकते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस की। एज यू नो वेरी वेल के वायरसेस का साइज बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो जो अगर हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वायरसेस इजीली पास ऑन कर जाएंगे मेम्ब्रेन को, जबकि बैक्टीरिया का साइज लार्जर होने की वजह से उसमें से पास ऑन नहीं करेंगे, तो दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। वायरसेस एक साइड पे सेपरेट हो जाएंगे और बैक्टीरिया जो है उनका रेजिडुअल साइड पे रह जाएगा, क्योंकि ये लार्जर थे अपने साइज की वजह से परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सके। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो एडवांस जो वाटर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम इसको एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि वाटर से वाटर और साल्ट को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन कर जाएंगे, जबकि साल्ट जो है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स में से नहीं पास ऑन कर सकेगा। इसीलिए वाटर एंड साल्ट दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस किसकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल हमारे पास क्या करती है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को। आज का था ये हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्या किया, हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में वाटर बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। उसके अलावा हम लोगों ने देखा जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किस तरह से परमिट करते हैं ग्लूकोज की एंट्रेंस और उसकी एग्जिट को, कैसे सेल फ्लैसिड होता है और कैसे टारगेट कंडीशन में आता है। एट द एंड हमने क्या देखा कि एप्लीकेशंस देखी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब मिलते हैं। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।